तो कभी काल ऐसा होता है कि जब भी आप अपने प्रिंटर में प्रिंटर में पेपर प्रिंट करने को जाते हैं तो देखते हैं कभी काल ब्लैंक पेज प्रिंट करता है, और कभी काल आप देखिएगा ना दिखाई देने वाला छोटा छोटा लाइन दिखाई देगा आपके ब्लैंक पेजेस पे, जो उस चीज़ को बहुत करीब से देखना पड़ता है वो दिखाई भी नहीं देगा। तो अगर ऐसा समस्या है आपके प्रिंटर में तो हम आपको कुछ सिंपल इजी स्टेप्स बताते हैं जिनको फॉलो करिए। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने कंप्यूटर के सर्च में जाना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है प्रिंटर एंड स्कैनर। ऊपर आप देखिएगा आपको रहेगा प्रिंटर एंड स्कैनर, जो उसको सेलेक्ट करके उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस पेज पे आपको दिखाई देगा जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तो आप अपना प्रिंटर छान लीजिए और उसमें क्लिक करिए। उसके बाद आपको क्लिक करना है मैनेज। मैनेज के बाद आपके पास आएगा ये विंडो। अगर आप विंडोज 7 या 8 या लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे उसके लिए भी कैसे ये पेज को एक्सेस करना है, क्योंकि वो थ्रू कंट्रोल पैनल से एक्सेस करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस में क्लिक करिए। उसके बाद आपको जाना है मेंटेनेंस टैब में। मेंटेनेंस टैब में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, नोजल चेक, हेड क्लीनिंग, प्रिंट हेड अलाइनमेंट एंड पावर लिंक फ्लशिंग्स। तो जॉब अरेंजर लाइट, सबसे पहले आपको क्या करना है, नोजल चेक करना है। क्लिक करिए उस पे, नोजल चेक पे। उसके बाद प्रिंट करना है, क्लिक करिए प्रिंट पे। आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक गुड और क्लीनिंग नीडेड। तो हम लोगों का भी क्लीनिंग नीडेड है क्योंकि ब्लैंक पेजेज आ रहा है, छोटा छोटा डैश लाइन आ रहा है। अगर इस तरह का समस्या है और कहीं पे ऐसे आपको जैसे पिक्चर में दिखाई दिया है वैसा समस्या दिखाई दे रहा है तो भी आपको हेड क्लीनिंग करना है, तो क्लीन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लीन पे क्लिक करिएगा अब आपको स्टार्ट करना है। जैसे आप स्टार्ट करिएगा ये प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, जब ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है। तो जब ये ब्लिंक करना स्टॉप हो जाएगा आप समझ जाइएगा कि आपका प्रिंटर क्लीन हो गया है। तो अभी क्लीन नहीं हुआ है, अभी भी ये ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है। तो जैसे ये ब्लिंक ब्लिंक स्टॉप होता है अब समझिएगा कि क्लीन हो गया। उसके बाद फिनिश कर देना है। तो जैसे ही फिनिश पर क्लिक करिएगा, अगर समस्या अभी भी है तो आपके पास और भी बहुत सारा ऑप्शंस है, हेड क्लीनिंग, स्प्रिंट हेड अलाइनमेंट, पावर इंक फ्लॉसिंग। सो इन सब ऑप्शनों पे क्लिक करके बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और अपने आप ये सब हो जाएगा। अगर हेड क्लीनिंग करना है तो हेड क्लीनिंग भी हो जाएगा ऐसे ही, जैसे हमने अभी नोजल चेक किया कि अब क्योंकि अभी के लिए नोजल चेक भी काफ़ी था। अगर ये काफ़ी नहीं है तो और भी ऑप्शन है, आप हेड क्लीनिंग और क्लीनिंग सब भी कर सकते हैं। इस समस्या के लिए नोजल चेक, अगर नोजल चेक से नहीं हो रहा है तो और भी आप चेक कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल सर्च करके आप कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं अगर आप विंडोज 7 और विंडोज 8 यूज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद नीचे हार्डवेयर एंड साउंड में आपको दिखाई दिखेगा व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर। तो ये हम आपको इसलिए दिखा रहा है कि ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज में थोड़ा अरेंजमेंट अलग है। तो आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करिए, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है ऊपर प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस पे।
जैसे आप क्लिक करिएगा प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस पे, यहाँ पे नोजल चेक है, नोजल चेक पे आप क्लिक करके जैसे ही हमने पहली बार किया था वैसे ही करना है यहाँ पे भी। ये हमने स्टेप्स आपको इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इन ओल्डर वर्सन ऑफ विंडोज़ में थोड़ा अरेंजमेंट अलग रहता है, आपको डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप में नहीं मिलेगा, इसलिए हमने एक बार शॉर्ट में दिखा दिया। तो फिर से आपको वही करना है, नोजल चेक और अपना समस्या का समाधान करना है। अब देखिए, अब हम आप प्रिंटर प्रिंट पेपर प्रिंट करेंगे, देखिए सब कुछ सही है, अभी ब्लैंक पेज आ रहा था, अभी सब कुछ सही है। हर बार आपको ऐसा समस्या है आप यही कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो हेड क्लीनिंग और भी बहुत सारा ऑप्शन था, क्लीनिंग सब कर सकते हैं।